हेलो दोस्तों, जय हिंद टू एवरीवन। तो दोस्तों, आज जो है अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएफ की चार रिक्रूटमेंट का। दोस्तों आज, या दोस्तों आप मान सकते हैं कल ही नाइट में जो है इनका फाइनल रिजल्ट आ चुका था। तो दोस्तों किसी कारणवश वीडियो नहीं बन पाया, इसलिए दोस्तों अभी जो है आपके लिए ये वीडियो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें जो है इंजीनियरिंग ग्रुप सी एयर विंग वेटनरी स्टाफ के अंदर दोस्तों हेड कांस्टेबल वेटनरी और कांस्टेबल कैनलमैन, और प्रिंटिंग प्रेस के अंदर दोस्तों हेड कांस्टेबल और एएसआई का जो है आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। इसके साथ ही दोस्तों एक वैकेंसी और था इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन, उसका भी दोस्तों जो है फाइनल मेरिट आ चुका है। तो चलो दोस्तों मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ क्या कट ऑफ इनकी रही है। और दोस्तों इनमें से एक वैकेंसी जो है इंजीनियरिंग ग्रुप सी का, दोस्तों इसमें जो है काफ़ी वैकेंसी खाली चली गई हैं और कट ऑफ भी दोस्तों काफ़ी कम इसमें गया है। ये भी दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी दोस्तों मैं बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। और साथ ही दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट अपडेट जो है आप तक पहुँच सके। और दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बीएसएफ की जो 2023 में नई रिक्रूटमेंट जो है कौन कौन सी आने वाली है और कब तक आने वाली है, वो भी दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों काफ़ी कैंडिडेट जो हैं काफ़ी टाइम से इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, उनको पता है कितना क्या सही इन्फॉर्मेशन जो है बीएसएफ की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपको इस पर मिलती है। तो चलो दोस्तों एक बार रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले जो है आपको बीएसएफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको ओपन कर लेना है। और दोस्तों सबसे पहले मेनू में आपको जाना है, मेनू के बाद दोस्तों मीडिया के अंदर आपको जाना है। इसमें मीडिया सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अनाउंसमेंट के अंदर दोस्तों आपको रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा इसमें। तो दोस्तों पहले जो है आपका डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट आप देख सकते हैं। पहला जो है आपका ग्रुप सी एयर विंग का रिजल्ट है फाइनल रिजल्ट, उसके बाद इंजीनियरिंग सेटअप ग्रुप सी का जो इसमें आपका फाइनल रिजल्ट है, उसके बाद दोस्तों एक जो है पोस्ट पेंट का मेडिकल का दिया हुआ है या आपके काम का नहीं है, उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस आप मान सकते हैं इसमें प्रिंटिंग प्रेस का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। और अगला जो है दोस्तों इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ एचसी वेटनरी एंड कांस्टेबल कैनलमैन, उसके बाद अगला जो है दोस्तों इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन। यानी दोस्तों ये पांच रिजल्ट जो हैं कल ही जारी किए गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अपन इसमें इंजीनियरिंग ग्रुप सी के बारे में। इसमें दोस्तों काफ़ी वैकेंसी जो हैं खाली चली गई हैं और क्या इसमें कट ऑफ रहा है दोस्तों वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें जो डेट है वो कल का ही डेट है, यानी 2 जनवरी 2024 को ही आपका रिजल्ट अनाउंस किया गया था। तो दोस्तों इसमें जो है पहली पोस्ट थी एएसआई डीएम ग्रेड थर्ड की, जिसके अंदर दोस्तों एक ही वैकेंसी था और एक कैंडिडेट जो है इसमें फिलअप हो गया है। उसके बाद अगला वैकेंसी है दोस्तों हेड कॉन्स्टेबल पंप ऑपरेटर में, दोस्तों कोई भी कैंडिडेट जो है इसमें सेलेक्ट नहीं हुआ है। उसके बाद दोस्तों कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर में दो ही कैंडिडेट इसमें फाइनल मेरिट के लिए सेलेक्ट हुए हैं, यूआर और ओबीसी। उसके बाद दोस्तों अगला जो है कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिकल के अंदर ओनली 6 ही दोस्तों वैकेंसी जो है इसमें फिलअप हुई हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कितनी वैकेंसी जो है इसमें एम्प्टी रह गई हैं, खाली रह गई। उसके बाद दोस्तों लाइनमैन की वैकेंसी भी इसमें एक भी फिलअप नहीं हुई है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे जो है आपका रिजल्ट ये दिया हुआ है, इसमें मैं आपको कट ऑफ भी बताने वाला हूं। तो दोस्तों एएसआई डीएम ग्रेड थर्ड के अंदर दोस्तों इसमें एक वैकेंसी था, कोई भी कैंडिडेट इसमें फिलअप नहीं हुआ है, कोई भी वैकेंसी दोस्तों इसमें फिलअप नहीं हुई है, एक वैकेंसी था दोस्तों वो भी खाली इसमें चला गया है। उसके बाद हेड कॉन्स्टेबल पंप ऑपरेटर में भी दोस्तों कोई भी कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट नहीं हुआ है। अगला जो है आपका जनरेटर मैकेनिक के अंदर दोस्तों 51 इसकी कट ऑफ गई है यूआर की, आप देख सकते हैं दोस्तों इस टाइम जो है कितना कम इसमें कट ऑफ गया है। और 8 वैकेंसी थी जिसमें से ओनली 2 ही वैकेंसी दोस्तों इसमें फिलअप हुई हैं, यानी 6 वैकेंसी इसमें खाली रह गई हैं। उसके बाद दोस्तों ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के अंदर दोस्तों एक एक वैकेंसी था, इसमें भी कोई कैंडिडेट जो है सेलेक्ट नहीं हुआ है। उसके बाद अगला जो है कॉन्स्टेबल जनरेटर मैकेनिक के लिए
जनरेटर मैकेनिक के अंदर दोस्तों 6 वैकेंसी था यूआर के अंदर, जिसमें से 2 ही वैकेंसी फिलअप हुआ है और 52 दोस्तों इसका कट ऑफ रहा है। ईडब्ल्यूएस का कोई भी कैंडिडेट दोस्तों इसमें सेलेक्ट नहीं हुआ है और ओबीसी का दोस्तों एक ही कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है। 5 वैकेंसी था जिसमें से एक कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है और 60 जो है इसका फाइनल मेरिट रहा है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं आप एससी के अंदर जो है 4 वैकेंसी था और 2 वैकेंसी ही फिलअप हुआ है, 44 इसमें आपका कट ऑफ रहा है और एसटी के अंदर कोई भी कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुआ है, 2 वैकेंसी था इसमें। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कॉन्स्टेबल लाइनमैन में यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, तो दोस्तों इनको मिलाकर जो है 4, 3, 7, 8, 9 वैकेंसी दोस्तों इसमें था, एक भी वैकेंसी इसमें फिलअप नहीं हुआ है, यानी वैकेंसी खाली चली गई हैं, कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई ही नहीं हो पाए। इन दोस्तों रिटर्न एग्ज़ाम में तो क्वालिफाई हुए थे, लेकिन दोस्तों ट्रेड टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन और फिजिकल के अंदर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर दोस्तों लगभग कैंडिडेट जो हैं इसमें सेलेक्ट नहीं हुए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं लगभग इसमें काफ़ी वैकेंसी जो हैं खाली रह गई हैं और कट ऑफ भी दोस्तों एकदम मिनिमम कट ऑफ गया है 51, 52, 60, 44। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस टाइम जो कितना कंपटीशन है इसमें भी इसका दोस्तों कितना कम कट ऑफ गया है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है लगभग आपका टेक्निकल पोर्शन भी इसमें पूछा गया था, इसलिए जो है कैंडिडेट के मार्क्स नहीं बन पाए। तो दोस्तों मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कब तक जो है नई रिक्रूटमेंट आने वाली है और कौन कौन सी रिक्रूटमेंट जो है बीएसएफ के अभी 2024 के अंदर आने वाली है। इसलिए दोस्तों आपको जो है पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, ताकि दोस्तों जब भी इन्फॉर्मेशन मिले आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जो है उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बहुत जल्द जो है आपकी सभी रिक्रूटमेंट आने वाली है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कौन कौन सी रिक्रूटमेंट आपकी आने वाली हैं। तो दोस्तों अभी से जो है आपको प्रिपरेशन में लग जाना है, रिक्रूटमेंट आपकी कन्फर्म आने वाली हैं। तो दोस्तों बीएसएफ वाटर विंग के रिगार्डिंग भी मैंने पहले वीडियो बनाया था, उसमें दोस्तों फाइनल मेरिट काफ़ी टाइम पहले भी आ चुका है उनका, शायद दोस्तों ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया होगा और कल ही दोस्तों एक रिजल्ट और आया था बीएसएफ इंजीनियरिंग स्टाफ ग्रुप बी का, तो उसके रिगार्डिंग भी दोस्तों आपको वीडियो मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है तो पहले एक वीडियो बनाया है उस पर आप जाके देख सकते हैं, या दोस्तों आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी अपना रिजल्ट जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाना है दोस्तों, ताकि नेक्स्ट अपडेट जो है आपको सबसे पहले मिल जाए, क्योंकि दोस्तों काफ़ी बार जो है मॉर्निंग में वीडियो नहीं बन पाता है, इसलिए दोस्तों या तो अर्ली मॉर्निंग में या दोस्तों नाइट में ही वीडियो बन पाता है। इस वजह से जो भी मॉर्निंग में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है आपको सबसे पहले जो है टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दी जाती है, ताकि आपको पता चल सके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग या दोस्तों कोई भी रिजल्ट के रिगार्डिंग या जो भी नई रिक्रूटमेंट आती है उसके रिगार्डिंग। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही दोस्तों जो है आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।